हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 10, मेंजुरेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। सो आज हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इंट्रो लेते हैं। तो है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज 3 meters and 25 centimeters एंड इट्स ब्रेथ इज 2 meters and 50 centimeters। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल टॉप है, टेबल टॉप यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल का टॉप मतलब ऊपर का पार्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो उसकी ब्रेथ है 3.25 centimeters और उसकी ब्रेथ जो है वो है 2 meters and 50 centimeters। तो अभी हमें यहाँ पे उसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको लिखना है पूरा। रेक्टेंगुलर टेबल टॉप पैरामीटर इज इक्वल टू 2 L+B। ओके, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसकी लेंथ है 3.25 प्लस उसकी ब्रेथ है 2.50। अब हम यहाँ पे उसका प्लस करेंगे 3.25 and 2.50 का। तो यहाँ पे 5 + 0 = 5, 2 + 5 = 7, पॉइंट का पॉइंट एंड 3 + 2 = 5। तो इसका आंसर आया 5.75 इन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम यहाँ पे उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो आंसर आया था 5.75 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 5 = 10, कैरी चढ़ेगी 1, 2 7 = 14 एंड 14 + 1 = 15, पॉइंट का पॉइंट कैरी चढ़ेगी 1, 2 5 = 10 and 10 + 1 = 11। तो उसकी पेरीमीटर का आंसर क्या आया, 11.50 centimeters। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द एक्सपेंस ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 20 meters and 50 centimeters एट द रेट ऑफ ₹8 per meter। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो स्क्वायर जो प्लॉट है उसकी हमें फेंसिंग फाइंड करनी है, और फेंसिंग फाइंड करने के बाद यहाँ पे जो रेट दिया गया है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्क्वायर प्लॉट है और उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, 20 meters and 50 centimeters, सो स्क्वायर है, सो सभी साइड सेम होंगी। तो अभी स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, 4 × L। तो यहाँ पे 4 × 4 and 2.50। आपको पूरा लिखना है, प्लॉट पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 × लेंथ, या फिर साइड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20.50 × 4। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, फिर आएगा 4 5 = 20, पॉइंट का पॉइंट कैरी चढ़ेगी 2, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 लेकिन कैरी का 2 नीचे आएगा, एंड 4 2 = 8। तो अभी आंसर आया 82 meters। ओके, अभी सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, तो अभी यहाँ पे आंसर आया ओनली 82 meters। तो यहाँ पे 1 meter की क्या रेट है, आपको पूरा लिखना है, 1 meter फेंसिंग रेट इज इक्वल टू 8 rupees। तो यहाँ पे टोटल है 82 meters। तो यहाँ पे 82 and 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 = 16, कैरी चढ़ेगी 1, 8 8 = 64 and 64 + 1 = 65। तो यहाँ पे आंसर आया 656 rupees टोटल रेट। ओके, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द एक्सपेंस ऑफ फेंसिंग
अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 24 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 18 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर मीटर। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने ऊपर का सम किया सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड करनी है, लेकिन ऊपर वाला जो था वो प्लॉट स्क्वायर था, इसमें जो है प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर है, मतलब उसका फॉर्मूला चेंज होगा। टू इन द ब्रैकेट एल प्लस बी, फिर जो आंसर आए उसको हमें 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर है नीचे का, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर द लेंथ 28 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 75 सेंटीमीटर। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 78 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द प्लॉट। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगुलर की कितनी साइड होती हैं, थ्री साइड होती हैं, ट्राइंगल की थ्री साइड होती है। तो यहाँ पे ट्राइंगल की पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 3 मल्टीप्लाई बाय एल। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एल प्लस एल प्लस एल। ओके, तो यहाँ पे हमें उसकी पेरीमीटर, ये आप इतना याद रखिए, फिर मैं आपको अभी दूसरी बार करवाती हूँ। यहाँ पे जगह थोड़ी शॉर्ट है तो उसकी पैरामीटर का क्या आंसर आया है, पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज 78 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, ये है उसकी पेरीमीटर। इज इक्वल करके दो साइड हमें दी गई है, 28 मीटर 28.25 प्लस 23.75 प्लस एल, तीसरी साइड जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो अभी हम 78.25 ऐसे ही रखेंगे और ये दोनों का हम प्लस करेंगे। तो 5 प्लस 5 10, कैरी चढ़ेगी 1, 7 प्लस 1 8 एंड 8 प्लस 2 10, कैरी चढ़ेगी 1 पॉइंट का पॉइंट, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12 और कैरी चढ़ेगी 1, 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 1 5। तो अभी इसका आंसर आया 52 मीटर। ओके, और एल का एल अभी 78.85 और इज इक्वल करके 52 मीटर है और एल है, तो यहाँ पे इज इक्वल के ये साइड हम लेके आएंगे तो ये जो प्लस 52 है वो कैसे हो जाएंगे माइनस। अभी हमें इसका माइनस करना है, 78.25 में से हमें 52 को माइनस करना है। तो ये आप याद रखेंगे, फिर अभी मैं दूसरी बार कर रही हूँ यहाँ पे। सेवेंटी एट पॉइंट ट्वेंटी फाइव इसमें से हमें 52 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 25 का 25 आएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 एंड 7 में से 5 जाएंगे तो 2। तो ये आया थर्ड साइड का उसका मिजोरेशन। तो इसकी थर्ड साइड का लेंथ आया 26 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमें है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1500 स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 50 मीटर तो फाइंड इट्स ब्रेथ। हमें यहाँ पे एरिया दिया गया है रेक्टेंगुलर का और एक साइड की लेंथ दी गई है, सो हमें उसकी ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो आपको पूरा लिखना है, लेंथ ऑफ अ गार्डन एरिया ऑफ द गार्डन इज 1500 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमें लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, 1500 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एल बाय बी, ये है एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वापस 1500 और इसकी लेंथ है 50 मीटर एंड ब्रेथ है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो 50 है वो बी के साथ ब्रेथ के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये साइड जाएगी तो डिवीजन में आ जाएगी। ओके, इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हम 0 0 कट करेंगे एंड 5 3 जा 15 एंड 0 का 0। तो यहाँ पे ब्रेथ कितनी आई उसकी, 30 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
10। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे है, ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लेंथ इज 7 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, अ स्क्वायर गार्डन साइड इज 3 मीटर इज मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट। तो ये वाला क्वेश्चन 11 से लेकर 14 तक आपको ये 4 क्वेश्चन जो है वो खुद करने हैं। बाकी के जो है वो मैंने आपको सभी सिखाए हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, और आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सो मैं आपको शाम को इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी। फिर भी आपको जहाँ पे मिस्टेक हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे वहाँ पे कॉल करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगी। ओके फ्रेंड, आज मैं आपको इसकी आंसर की भी सेंड करने वाली हूँ। ये होमवर्क करके आप शाम तक इसके पिक मुझे सेंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।